केमिकल डोजिंग सिस्टम। केमिकल डोजिंग सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है, क्या है इसका पर्पस? तो थर्मल पावर प्लांट में लार्ज क्वांटिटी में स्टीम जनरेशन और कूलिंग के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है। होता क्या है, जो वाटर यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ या फिर अशुद्धियाँ होती है, तो उसकी वजह से स्केलिंग या फिर करोजन या फिर दोनों होने का चांस बनता है। तो इस वाटर की जो क्वालिटी है या वाटर की जो केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए जो भी मैनेज किया जाता है उसको हम पावर प्लांट में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्केलिंग और करोजन के बचाव के लिए। तो बॉयलर और टरबाइन के जो साइकिल में वाटर और स्टीम की प्योरिटी को दो तरह से केमिकल फीडिंग कर मेंटेन किया जाता है। पहला किया जाता है एचपी डोजिंग से। एचपी डोजिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो केमिकल होते हैं जो ट्राई सोडियम फास्फेट, इसको उसमें डोज किया जाता है डायरेक्ट बॉयलर ड्रम में, इसको डायरेक्ट बॉयलर ड्रम में फिट किया जाता है। दूसरा होता है एलपी डोजिंग सिस्टम। एलपी डोजिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो डिरेटर होता है वो फीड स्टोरेज टैंक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो बॉयलर फीड पम्प की जो सक्शन होता है उसमें इस हाइड्रोजन को फिट किया जाता है डीएम वाटर का पीएच को मेंटेन करने के लिए। अब बनाया कैसे जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है इस स्पीड डोजिंग सिस्टम, इसमें एक टैंक होता है जो एमएस का बना होता है, ठीक है, एमएस मतलब माइल स्टील का बना होता है। इस टैंक के ऊपर होता है एक एजिटेटर, एजिटेटर के ऊपर एक गियर मोटर लगा होता है इस एजिटेटर को घुमाने के लिए, चलाने के लिए। और इस टैंक में एक ओवरफ्लो लाइन होती है और एक ड्रेन लाइन दिया जाता है। इस टैंक के अंदर एक रबर लाइट लगा होता है जिसकी जो लाइनिंग का जो थिकनेस होता है वो 6 mm होता है। यहाँ पर केमिकल फिल करने के लिए एक चैम्बर होता है, यहाँ से केमिकल डाला जाता है। 2 डोजिंग पंप होते हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप होती है जिसमें प्लंगर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके सेक्शन में एक वाई टाइप का स्टेनर लगा होता है और पंप के डिस्चार्ज में एक प्रेशर गेज लगे होते हैं। एक डिस्चार्ज रिलीफ वाल्व होते हैं जो रिलीज करता है एक्सेस प्रेशर को इनकेस एबनॉर्मल कंडीशन में। टैंक में एक लेवल गेज लगे होते हैं जो इन टैंक के लेवल को देखने के लिए। अब ये काम कैसे करता है, केमिकल डोजिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से एक जो भी आवश्यक केमिकल कंसंट्रेशन है उसे इसे एक रिक्वायर्ड लेवल तक टैंक में भरा जाता है। उसके बाद यहाँ डीएम वाटर का जो इनलेट वाल है उसको ओपन करेंगे और डीएम वाटर का सॉल्यूशन को टैंक में भर देंगे। इसके बाद जो एजिटेटर है उसको चालू करेंगे और इस मोटर के माध्यम से ये क्या होगा कि घूमने लगेगा और उसके बाद ये प्रॉपर मिक्सिंग होगा, वाटर और केमिकल प्रॉपर मिक्सिंग होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो पहुंच जाएगा इस वाल्व के पास। जो भी केमिकल डोजिंग हो रहा है उसका जो फ्लो रेट है वो चेक करेंगे, जो भी केमिकल डोजिंग हो रहा है उसका फ्लो रेट चेक करेंगे और उस डोजिंग फ्लो रेट जो भी है उसके हिसाब से, जो भी रिक्वायर्ड डोजिंग फ्लो रेट है उसके हिसाब से जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक लेंथ को सेट कर लेंगे मैनुअली। जो आउटलेट वाल है वो ओपन रहेगा, आउटपुट वाल ओपन रहेगा,
उसके बाद जो डोजिंग पम्प है उसको स्टार्ट करेंगे और चेक कर लेंगे डिस्चार्ज प्रेशर को। उसके बाद लास्ट में चेक कर लेंगे किसी भी तरह का वाइब्रेशन या एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है या एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ये सिस्टम है वो रेडी है ऑपरेशन के लिए।